हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो फिफ्थ नंबर की लार्जेस्ट ऐसी कंपनी है जो वॉचेस बनाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी भी होल्डिंग है, उनकी भी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। तो आज हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, फिर हम वैल्यूएशन को देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये स्टॉक इस प्राइस पे खरीदना सही है, क्या वैल्यूएशन कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में। तो अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो इनका जो मेन बिज़नेस है वो ज्वेलरी और वॉचेस बनाने का है, जो इनका मेन बिज़नेस है। बाकी ये आईवेयर में भी हैं, आपने टाइटन प्लस का नाम सुना होगा। फ्रेग्रेंसेस में इनका स्किन करके एक ब्रांड है। इंडियन ड्रेस वेयर की बात करूँ तो इसमें अभी अभी इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया है। अगर ज्वेलरी की बात करूँ तो तनिष्क और जोया करके इनके ब्रांड्स हैं, जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में हैं। वॉचेस और वेयरेबल्स में आप जानते हैं टाइटन और फास्ट ट्रैक, सोनाटा, ये सारे ब्रांड्स हैं। अगर मैं इनके सारे ब्रांड्स की बात करूँ तो लग्जरी सेगमेंट में जोया एक इनका अच्छा ब्रांड है, जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में चलता है। तनिष्क एक ब्रांड है, कैरेट लाइन एक ब्रांड है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर वॉचेस में बात करूँ तो फास्ट ट्रैक, सोनाटा, टाइटन, ये सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलते हैं। इनके आईवेयर सेगमेंट में टाइटन प्लस और फास्ट ट्रैक, ये दो ब्रांड हैं। और जो अब इनका टेक्सटाइल सेगमेंट है, यहाँ पे तनेरिया करके एक ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा चलता है। अगर मैं इनके रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो जो वॉचेस हैं वहाँ से ये 13% अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ से ये अपना 83% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जिससे कि हमें समझ में आता है कि जो इनका मेन बिज़नेस है वो ज्वेलरी मेकिंग का है और जो वॉचेस का बिज़नेस है वो सेकेंडरी है। बाकी आईवेयर का जो बिज़नेस है वो भी 2.7% जो है रेवेन्यूज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी छोटे मोटे बिज़नेसेस हैं। पर जो इनका मेन बिज़नेस है वो ज्वेलरी का है, जो कि 83% रेवेन्यूज़ के लिए अकाउंट करता है, और वॉचेस का जो बिज़नेस है वो 13% के लिए अकाउंट करता है। तो ज्वेलरी से ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें ये रेवेन्यूज़ देख के ये समझ में आ रहा है। और ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं इनके पास, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो ग्रो करने के चांसेस भी जो फ्यूचर्स में हैं वो बढ़ जाते हैं यहाँ से। ये बात तो हो गई इस कंपनी के अब ब्रांड्स के बारे में, इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में। अब हम इस कंपनी की प्रोफाइल को देखते हैं, रिटर्न प्रोफाइल को देखते हैं। अगर मैं 1 डे की बात करूँ तो जो रिटर्न है वो 1% के आसपास है। अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 6% के आसपास हैं। अगर 1 मंथ में देखें तो रिटर्न्स 10% के आसपास है। अगर हम 1 ईयर में देखें तो रिटर्न सिर्फ 7% है, क्योंकि अभी मार्केट मार्च में बहुत ज़्यादा गिरा था कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए रिटर्न्स थोड़े से कम है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूँ तो जो रिटर्न प्रोफाइल है वो 240% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं 5 साल की ड्यूरेशन में। और अगर मैं मैक्सिमम पे इसको देखूँ तो ये कंपनी जो रिटर्न्स हैं वो 14,950% दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने 2003-2004 में इन्वेस्टमेंट किया था, और इसी वजह से उनका जो शेयर, मतलब उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी वेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस शेयर की वजह से, क्योंकि इस शेयर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। ये बात हो गई इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। अब अगर हम इनके सेक्टर को देखें तो ये ज्वेलरी और वॉचेस के सेगमेंट में है। मार्केट कैप है जो इनका वो 99,000 करोड़ के आसपास है। जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है वो 1,120 रुपये के आसपास है। ये बात तो हो गई कंपनी के बारे में, कंपनी कहाँ से पैसा कमाती है हमें ये समझ में आ रहा है। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र डालते हैं। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखूँ अगर ध्यान से, तो FY 2017 के जो रेवेन्यूज़ हैं वो इनके, हम उस पर नज़र डालते हैं। जो FY 2020 के इनके रेवेन्यूज़ हैं वो 21,200 करोड़ के आसपास हैं, और जो इनकी नेट इनकम है वो 1,500 करोड़ के आसपास है। अगर हम इनकी ग्रोथ को देखें, जो इनकी ग्रोथ हुई है तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। 5 सालों में जो ग्रोथ है वो 12% की है, लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज इससे भी अच्छा है 32% का। और अगर हम इनकी नेट इनकम की बात करें तो जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 15% है, इनका एवरेज 15% है, इंडस्ट्री का एवरेज 37% है। अगर मैं इनके रेवेन्यूज़ को देखूँ तो FY 18-19 में 23% से बढ़े हैं, FY 19-20 में 6% से बढ़े हैं,
रेवेन्यूज़ यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं। अगर मैं इनकी नेट इनकम की बात करूँ तो ये FY 18-19 में 24% से बढ़ी थी और FY 19-20 में बस 7% से बढ़ी है, जो कि थोड़ा सा कम है। अगर हम मार्जिन्स को देखें तो इनके जो मार्जिन्स हैं, जो इनकी नेट इनकम है, वो 7% है। यानी कि जो नेट इनकम का जो रेशियो है वो बस 7% है। अगर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या जो भी कैपिटल लगा रहे हैं इस बिज़नेस में लोग, तो अगर वो 100 रुपये लगा रहे हैं तो बस 7% ही रिटर्न कमा पा रहे हैं। जो चीज़ थोड़ी सी बुरी है, पर कंपनी के लिए जो आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो ये ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इस ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स ज़्यादा हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स थोड़े से कम हैं। इनके पास ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं, तनिष्क एक बहुत अच्छा ब्रांड है जहाँ ये ग्रो कर सकते हैं, और वॉचेस के सेगमेंट में भी ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि टाइटन फास्टैग जैसे ब्रांड्स हैं जिसकी वजह से इन्हें ग्रोथ मिल रही है। और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें तो जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 1.5% के आसपास है, तो उसके मुकाबले अगर हम इसको कंपेयर करें तो 6.5% थोड़ा ज़्यादा ही है। ये बात तो हो गई इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम अगर इनके की मैट्रिक्स को देखें तो जो पी रेशो है वो 66 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 14.90 का है, और जो सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो बस 2.76 है। तो वैल्यूएशन वाइज तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के तरीके से देखें तो इस लेवल पे शेयर को ख़रीदना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जो पी रेशियो है वो 66 का है। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो भी एनालिस्ट हैं, जो भी न्यूज़ वाले हैं, वो इसको काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं। इसी वजह से जो इसका वैल्यूएशन है वो हमेशा बहुत हाई रहता है, और हमें इस लेवल पे यहाँ इसको ख़रीदना नहीं चाहिए। अगर मैं पीएस की बात करूँ तो राजेश एक्सपोर्ट, पीसी ज्वेलर्स, रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड, थांगा माइल ज्वेलरी, गोल्डियम इंटरनेशनल, ये सारे इनके पीएस हैं। और अगर हम इनके पी रेशो देखें तो गोल्डियम इंटरनेशनल का पी रेशो 5 का है, थांगा माइल ज्वेलरी लिमिटेड का पी रेशो 10 का है, और ऐसे ही अगर हम सबके पी रेशियो देखें तो वो काफ़ी कम है, 10-11 के आसपास है, लेकिन जो इसका पी रेशियो है वो 66 के आसपास है। इसी वजह से मैं आपको ये स्टॉक बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, पर कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो अगर प्राइस थोड़ा सा कम आता है, अगर पी रेशियो 15 के आसपास आता है, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा टाइटन कंपनी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।